Mom? बोलो पार्थ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। माम वो उत्कर्ष की तबीयत थोड़ी खराब है, वो डोमेट्री में रेस्ट कर रहा है, इसलिए वो आज क्लास में नहीं आ पाएगा। एनीथिंग सीरियस? अगर ज्यादा सीरियस है तो रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते। नथिंग सीरियस माम, वो बस उसका पेट थोड़ा खराब है और रात को थोड़ा ज्यादा खा लिया था उसने। That's it. Are you sure? Yes, ma'am. Okay. मैं कामिनी मैम को बता दूंगी, नहीं तो वो मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपको? Leave it. I'll handle this. तुम अपनी क्लास में जाओ। Okay, ma'am. का सरप्राइज होगा। कहां छुपाया इसने? मां, मैंने आपको कितना मिस किया। मां, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। मार दूंगा मैं तुझे शॉट से। तस्य क्या कर रहा है तू? मार दूंगा मैं तुझे शॉट से। उत्कर्ष, लेट गो ऑफ हिम। उत्कर्ष, उत्कर्ष, लेट गो ऑफ हिम। Right now.
क्या? What was going on there? Answer me. I asked you something. Answer. Tell me. मैं वो मैं बस मैं बैठा हुआ था या कि मुझे मारने लग गया. मैंने कुछ किया भी नहीं कि मुझे मारे जा रहा था. क्यों मार रहे थे तुम इसे? मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम क्यों मार रहे थे इसे? मैम, उसने वो मेंढक पाला हुआ था जो हमारे स्कूल में रूल्स के अगेंस्ट था. मैम अब वो मर गए तो इसने सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया. उत्कर्ष की माँ वो मर गई? और मैम अगर मेंढक मर गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो मेरी एक बात नहीं सुन रहा था और बस मारे जा रहा था. You stay outside. नहीं मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. मॉम मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है क्योंकि सच सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ. What do you mean? मैं आज झूठ बोल रहा हूँ. उत्कर्ष ने आज उस पर हाथ उठाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था. उत्कर्ष गलत नहीं है. आयाज ने इतनी घिनौनी हरकत करी है कि मैं आपको कैसे बताऊं. आयाज ने उत्कर्ष को लाइब्रेरी में ले जाकर उसके साथ किया. आयाज ने उत्कर्ष को लाइब्रेरी में ले जाकर मोलेस्ट करने की कोशिश करी. मैं जब आयाज को पता लगा कि पूरे वॉर है कोई बात पता लग गई है तो उसने उत्कर्ष की माँ को मार डाला. जस्ट टू सीक रिवेंज. और अब आप ही बताइए क्या गलत करा उसने हाथ उठाकर. जैसे लोगों की वॉरियर हाई में कोई जगह नहीं है. यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम हियर राइट अवे. और तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी अयाज. बट फॉर नाउ यू डोंट इवन नीड टू पैक योर बैग, जस्ट लीव. वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी मुझे भी नहीं मालूम. जस्ट गेट आउट. मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में है और मैंने उस पर हाथ उठाया. I'm sorry बेटा, मैं कैसे बताऊं तुझे कि तेरी माँ जिंदा है, वो तेरे सामने है. मैं चाहकर भी तेरी ये तकलीफ दूर नहीं कर सकती. कितनी बुरी माँ है. मैं भी जाऊं?
नीति तू रो क्यों रही है? अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, माँ एकदम ठीक है, वो बस मुझसे थोड़ा गुस्सा है, देखना अभी बात करेंगे। सियाली नीति तुम दोनों यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा? माँ एकदम ठीक है, वो बस मुझसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मैंने उनको सियाली के पास छोड़ दिया था। अभी देखना मुझसे थोड़ी देर में अपने आप बात करेंगे। माँ माँ बताओ आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर इन दोनों से? माँ माँ देखो ये दोनों रो रहे हैं। नीति तू रो मत, माँ जवाब देगी, तू देखना। माँ आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? पार्थ 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 ब्रो तू इधर आ। देख पता है मैं इनसे पूछूंगा ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है माँ या इन दोनों से। पार्थ ब्रो तू देखना माँ एक बार जवाब देगी मतलब वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और अगर दो बार तो इन दोनों से, लेकिन माँ एक बार जवाब देगी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना। माँ माँ बोलो ना, माँ आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? माँ बोलो। सियाली सियाली तू बोलना माँ को, माँ कब तक मुझसे गुस्सा रहेंगी, प्लीज उनसे बोलना मुझसे बात करें। नीति तुझे तो पता है ना कि माँ माँ आया ना मैं जवाब देती, प्लीज बोलना उनको। तुम दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ प्लीज एक बार बोल दो, बस एक बार इनको बोल के बता दो कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। पार्थ पार्थ ब्रो यहाँ पे कोई नहीं समझता कि ये मेरी माँ है, सबको लगता है ये सिर्फ एक मेंढक है, लेकिन मुझे पता है ना ये मेरी माँ है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ मैं पक्का प्रॉमिस आपको कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, आज के बाद आपको हमेशा अपने पास रखूंगा एकदम संभाल के। उत्कर्ष होश में आ, उत्कर्ष। सियाली माँ बोलेगी, सियाली उत्कर्ष माँ नहीं बोलेगी, सियाली माँ मर चुकी है, उत्कर्ष माँ मर चुकी है। वो अब कभी नहीं बोलेगी, वो हम सबसे बहुत दूर जा चुकी है। उत्कर्ष होश में आ, उत्कर्ष सियाली माँ बोलेगी। मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग उत्कर्ष पर स्पेशल ध्यान दे। वो पेट हम लोगों के लिए एक ऑर्डिनरी फ्रॉग हो सकता है, बट फॉर हिम इट वाज हिज मॉम, और इस वक्त उसकी हालत उसी बच्चे की तरह है जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया। सो आई वांट यू ऑल टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम। बट मैम उस लड़के ने स्कूल के रूल्स ब्रेक किए, उस मेंढक को यहाँ लाकर उसने गलत किया। फिर आप मिस्टर कार्तिक ये कोई टाइम नहीं है सही और गलत देखने का, और आपने उसकी हालत देखी है, आप किस कंडीशन में उसको पनिश करना चाहते हैं? और स्कूल के रूल्स आपसे बेहतर मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि स्टूडेंट्स के वेलबींग ये रूल्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गो एंड मेक श्योर कि उत्कर्ष उस फ्रॉक को अपने हाथों से बरी कर सके, एंड ऑल्सो जस्ट कैंसल ऑल द पनिशमेंट दैट्स बीन गिवन टू देम right away. Yeah. I hope Kamini ji aya school ke bahar ja chuka hai. I don't want that evil boy in my campus even for a second now. Urmila ji, main poorn roop se samajhti hu ki Ayaz ne jo bhi kiya wo bahut galat aur wo kisi maafi ke yogya nahi. Usne na sirf ek jeev ki hatya ki hai balki ek vidyarthi ke man ko nirmam tarike se thes pahunchayi hai. Aur हर तरह से दंड के योग्य भी है। मगर उर्मिला जी मैं सोच रही थी कि आयास को विद्यालय से निकाल देना शायद इस बात का हल ना हो। मिस कामिनी, did I ask for your opinion? तो आप अपने ये सजेशंस अपने पास ही रखिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। आपने उस बच्चे की हालत देखी है, उस लड़के ने एक फ्रॉक को नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की माँ को मारा है जिसके वजह से आज वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इससे उस पर क्या असर हो सकता है इसका कोई अंदाजा भी है आपको? मैंने तो सिर्फ उस लड़के को स्कूल से इन्वेस्टिगेट किया है। He deserves much more worse than this.
Now do as I say. You may all leave now. Yes. ये औरत न जाने क्यों अपने आप को सबसे चतुर समझती है। कार्तिक जी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उर्मिला मैम ने कहा है कि उत्कर्ष उस फ्रॉग को बरी कर सकता है। उसके फ्रेंड्स को ये खबर दे दो ताकि वो बरी करने में उसकी हेल्प कर सके। उर्मिला मैम ने उत्कर्ष को अपनी माँ को दफनाने की परमिशन दे दी। हम सोच रहे थे वो उत्कर्ष के दर्द को समझ पा रहे हैं। यस मैम, वो बहुत तकलीफ में है। उसके लिए बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि उसकी माँ अब नहीं रही। मैं जानता हूँ कि उसकी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर वो अपनी माँ को अपने हाथों से दफनाए वो बेटर फील करेगा। सोच रहा हूँ मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता। मैं समझ सकती हूँ बात। उत्कर्ष के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, पर वो बहुत लकी है कि उसके पास तुम तीनों। इस वक्त उसे तुम तीनों की बहुत जरूरत है। I'm sure कि टाइम के साथ साथ कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा पर संभल जाएगा।